किन्नौर कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी विधानसभा में किन्नौर जिला के विकास से संबंधित मुद्दे उठाने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए हैं। वो विधानसभा में किन्नौर जिले के विकास से संबंधित मुद्दे न उठाकर इधर उधर की बातें करते हैं, जबकि किन्नौर की जनता ने उन्हें किन्नौर के विकास कार्य करने के लिए चुना है, न कि इधर उधर की बातें करने के लिए। यह बात रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कही। सूरत नेगी ने किन्नौर जिला में हो रहे विकास को लेकर उन्होंने कहा कि बताना चाहता हूं कि जिला किन्नौर के अंदर जो है ट्राइबल सब प्लान नया अलग से बनता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है हमने पिछले 4 सालों में। हम ये कह सकते हैं कि 4 साल हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की दृष्टि से ये 5वां जो बजट जिला किन्नौर का भी जो हमने बनाया ट्राइबल सब प्लान का, वो एक ऐतिहासिक हम कह सकते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भाई किन्नौर में विकास नहीं हो रहा है। माननीय विधायक जी जो है 3 साल तो घर से निकले नहीं, विकास कैसे दिखेगा। लेकिन मैं आंकड़ा पेश करना चाहता हूं आपके सामने, जब से ट्राइबल सब प्लान बना है तब से लेकर आज तक का जो मैंने को रिकॉर्ड में मिला, लगभग 1979 के लगभग से जो ट्राइबल सब प्लान बना है तब से लेकर आज तक 2017 तक का जो किन्नौर का बजट है 62.5 करोड़ है, जिसमें जगत सिंह जी 12.5 साल अपनी सरकार में एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, या SC&ST कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी है रहे। इस कार्यकाल का जो पूरा बजट है 62.5 करोड़ है, और इनके आंकड़े में देख रहा हूं 12.5 साल का 20 और 25 करोड़ के बीच में, और हमारा 5 साल का जो फाइनेंशियल ईयर है पिछले 4 सालों में, वो आप देखेंगे कि 62.5 करोड़ से 140 करोड़ ले जाने में हम सफल हुए। ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, लगभग 78 करोड़ के लगभग हम इसको इंक्रीज करने में सफल हुए हैं। तो आप कल्पना करिए कि जिला किन्नौर का विकास की गति जो है हमने कितना आगे ले जाने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं देख रहा था विधायक बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर कि BADP का नाम परिवर्तन हो गया, और वो कह रहे हैं कि भाई 25 से 30 करोड़ रुपए इसके लिए आता था। ये ठीक है कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया का इकोनॉमी में जो है बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, और उसमें 1-1.5 साल कोरोना के कारण हमारा BADP का पैसा नहीं आया, लेकिन अभी आ रहा है, उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। लेकिन उसको बदलकर जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया है, और जिसमें कल्पा और कूब ब्लॉक के मैक्सिमम सभी पंचायत आते हैं, और 4-5 पंचायत दोनों को मिला के 5-6 पंचायतें नहीं आते हैं, कुल मिला के कल्पा और कूब ब्लॉक के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, और इसकी ग्राम सभाओं में योजना बनी है, DPRs हम बना रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को आजकल लगाया हुआ है, और 250 से 300 करोड़ रुपए आने वाला है, 250 से 300 करोड़ रुपए आने वाला है इसमें VVP के अंदर।